के स्टार्टिंग में पहले ही मैं अपना खाना दिखा देती होती हूँ। और मेरी मम्मी सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे मेरे लिए बना रही हैं प्याज की रोटी, और मैं ले रही हूँ अचार, और ये मेरा दूध, और ये मेरा और अचार। ये मेरी मामी ने डाल के दिया है मुझे अचार। आज तो मेरे खाए पीछे राम राम ले लो। आज मैंने सवेरे सवेरे से ही काम कर दिया, पोछा ला दिया, नहीं तो मेरा ना भड़क ही रहती है। नहीं अभी तो मेरे को पोछा भी लाना है, तो आज पोछा लग गया। मैं उठी जब मेरी मम्मी ने झाड़ू निकाल रखी थी, और प्याज भी काट रखी थी, आटा भी लगा रखा था, और थोड़े से कपड़े, कल भी हमने कपड़े धोए थे, है ना मम्मी, कल भी तो कपड़े धोए थे, तो आज थोड़े से कपड़े हैं वो धो लेंगे। मेरे पापा नहा चुके, अब मैं नहाऊंगी और मेरी मम्मी नहाएगी, और तो बस अभी मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट के जुटने लग रही है। मम्मी ब्रेकफास्ट के जुटने लग रही है, और तो धीरे धीरे काम होता रहेगा। बाकी आज मौसम में काफ़ी गिरावट है ना मम्मी, धुंध बिल्कुल भी नहीं, ओस बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज मौसम ऐसा लग रहा है बस बारिश बारिश का सा तो लग गया है हाँ। तो ये देख लो कुछ इस प्रकार से मौसम है आज का, तो इसलिए आज ठंड कम है। कहीं जाना हो ना तो उस दिन तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और जिस दिन नहीं जाना उस दिन ये लगता है हाँ ठंडी नहीं है। और ये देख लो मेरी ब्यूटी क्या हाँ ब्यूटी। यार मेरा मन तो कर रहा है इसको फोड़ लूँ, फिर मेरे को लग रहा है निशान छोड़ जाएगी, ऐसे ये अपने आप ठीक होएगी। धीरे 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 उभर के आने लग रही है। नहाने की तैयारी, और मेरा दूध तो चल रहा है, इसमें से मेरा सही ओवरलोड गर्म पानी निकल रहा है। बाप देखो इसकी बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, मज़ा हो गया। आज है शनिवार, और शनिवार वाले दिन मेरी मम्मी बोलती होती है कि हमेशा ना काले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, तो मैं अपना ब्लैक सूट निकाल लेती हूँ, जो कि मुझे भगवान की दया से आगे रखा रखा दिख गया। दुपट्टा तो भी चाहिए नहीं, दुपट्टा है भी नहीं इसके साथ, रखा ही नहीं रखा यहाँ पे, देखना पड़ेगा। तो आज मम्मी के साथ मंदिर जाऊँगी ना, तो ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लैक सूट काम आ जाएगा। तो बस अब मैं आ जाती हूँ रेडी, फटाफट से ना कराती होती हूँ। और आज ठंड नहीं है यार, आज का मौसम है ना ऐसा ही मौसम हो रहा, तो ठंड आराम से कट जाए ना, तो ठर 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 ना, हाई गर्मी चिल मौसम वैसा ही होना चाहिए हमेशा, बट मेरे कहने से क्या हो जाएगा, नहीं होगा। मैं तो नहा ली, और मैंने आज ना देखो लाइनर काजल दोनों चीज़ें लगाई हुई। मैं सोचा लाइनर अगर मैं लगाऊंगी ही नहीं, मतलब 3 लाइनर पड़े हैं तो वो कब काम आएंगे, तो फिर मैं सोचा कि आज लगा लिया जाए, तो मैंने लगा ली। और मेरी ना पंछी भी नहाते नहाते कुछ फूट गई थी, तो इसमें खूब सारा पानी निकला, वो अब तो थोड़ा 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 ठीक है, दर्द नहीं हुआ। तो आई एम रेडी। सर्दियों में सवेरे सवेरे नहाना भी एक बहुत बड़ा काम है। आज के इरादा आपका, आज मैंने भी कि मैं सोच रखा है, बाद में बताऊंगी आप खतर कि मैं करूंगी आपके साथ कि मैं तो करूंगी। ना 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 ये कौन सस्पेंस, आज आप कर लियो पहले कि मैं जो करे आज ड्राउंड रूम का। हाँ थोड़े बहुत ये निकाल तो उड़ा उस अलमारी में कर दे साड़ी चूड़ी मन लग गया अलमारी छोटी पड़ गई, कपड़े तो कम है अलमारी छोटी है में ला ले ले कपड़े कम है ना मम्मी अलमारी छोटी पड़ेगी आपका कहना है मैं आज सारे काम करूंगी, फिर आप भी मेरा कहना एक काम कर दियो आज, पक्का प्रॉमिस करो ना प्रॉमिस कौन कर दी तो ना करण का है
मतलब ना डराने का ना कोई मजाक, पक्का वादा है ना? आज अपना करना पड़ेगा जो कहूंगी। ये बात सोची जइयो के ना, वो तो साड़ी की कोती साड़ी बंद डड मार ना 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 आज। अच्छा आप सुतरी को लागा मैं मोटी गणी हूं। ओ आप तो ही मोटी मोटी लुगाई हैं गणी है। इतनी मोटी है कि इस गेट में भी कोनी आऊंगी, इतनी इतनी भी पैर हैं साड़ी। हाँ साड़ी बांध के क्या करना है? मैं देखना चाहूँ मैं सासू की सी लांगे। ठीक लो गाइस, अब हमारी मम्मी बिल्कुल खुश है, गब्बे खिंडवा के कतई खुश। ये देख लो सारी अलमारी, ऐसा लग रहा है हमारे घर में चोरी हो गई और चोरी है सब कुछ हटा के चले गए। देख लो क्या धचियां उड़ गई मेरी अलमारी की। अब ये सब सेट करूंगी और सासू मोम कतई राजी। और ये सूट था, एक बार हम लोग ढूंढने लग रहे थे ये सूट के लिए, मेरी मम्मी कहती यो कौन पैर आ कते यो कौन पैर समाया समाया है ये और कदे तन कभी नहीं हटाया। ये बुआनी की सिलाई मेरी, ये पहला सूट जो था मैंने सोचा चलो सिलवा के देखते हैं। पैर के देखा था जदे तो के बुंडा सा सिला था, उसे कौन दिखाया था जब पहली पहली बार सिलवाया था जब चा चा मैं पैर के दिखाया था ना सवाती नेम पर की बात मन तो देख है कौन। अच्छा आज देखती ठीक आज आज मैं कौन पैर हूं आज मतलब इनको पहले जीत दिखाई। हां ठीक गड्ढा हो तनु तो कौन बार बार काटे। तो भैया मैं समेट लूं, मेरे मैं थोड़ी थोड़ी तो मैंने समेट ली, ये बुक्स थोड़ा सा समेटा है। कुछ कुछ तो हम लोगों ने जचा दिया और ये एक सामान वो निकला है जो मेरे टाइट है और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। और मेरी मम्मी ने मेरे 2 दिन के सूट सेट कर दिए हैं। क्या अलमारी खोलनी है कोनी? ये सूट पहनने हैं, ये जाडा में नहीं पहरेगी तो फिर कद पहरेगी ये चुन्नी। तो देखो कल ये मेरे को सही लगेंगे तो मैं पहनूंगी। और हाँ नू कही है ना सही लगेगी तो पहनूंगी, नू फण गई। हाँ की बोलो बोलो की कहते ना पहरा तो फिर दे दिए किसी ने, मैं तो करूँ मैं तो के बोलूँ। ओके ठीक है, मैं तो पहले ही गुदी में बिना पहरा नहीं तो दे दे। ठीक है सही ना, बंद कर ले बात ना बंद है लंबी गणी। तो भाई तेरी उपाय इधर गणा डांडा का होनी मीठे डांडा कुछ कुछ तो अलमारी मैंने सेट कर ही दी और अब विशाल की रह रही है वो मैं आज शाम को करूंगी बस। अब के लिए ये अलमारी बंद होने जोगी होगी, नहीं सारा का सारा सामान बाहर ही पड़ा था। और ये बहुत सारे ये पाउच, कभी तो ये पाउचों की मेरे पास कमी पड़ जाती है और कई बार ये फालतू हो जाते होते हैं तो मैं इनको संभाल के रख ली। 2 पाउच और निकले और बिंदी के पत्ते नए नए सुटोंगे में। अलमारी सेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है ना, तो मैंने तो मेरी अलमारी सेट कर दी, विशाल जी की रहेगी अभी, वो मैं शाम को कर दूंगी पक्का पक्का, आज मैं पक्का सेट कर दूंगी। फिर से भूख लगाई और फिर मैं आगे रसोई में, मेरी मम्मी नीचे कुचर 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 खाने लगनी है। मेरी मम्मी के वो या के को थे चावल, कल वाले चावल थोड़े से बचे, मेरे मैंने दूध गर्म करा है रात वाले एक बज गया तो मेरी मम्मी तो चावल खाने लग रही है। और फिर मुझे याद है हमारे शकरकंदी रखी है, मैंने यूट्यूब पे खंगाला कि शकरकंदी को कैसे उबालें घर पे, तो उन्होंने सिर्फ कुकर का ही आइडिया दिया कि आप कुकर में ऐसे ऐसे करें और शकरकंदी उबल जाएगी। अब देखो ये मेरे साथ प्रैंक तो नहीं हो जाएगा ना, मेरे में तो कह दी तो पानी में उबाल ले, मैंने कहा ना पानी में नहीं, और मैं देखती हूँ कैसे कैसे मैं बताऊंगी कैसे कैसे प्रोसेस करूंगी। ठीक है तो भाई कुकर मैंने कर दिया सेट, इसमें पहले मैंने थोड़ा सा घी लगाया पूरे के और फिर शकरकंदियों के घी लगाया और पानी डालना थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव सा, हाँ थोड़ा सा, और फिर अब पता नहीं इसका क्या बनेगा। चढ़ा तो दिया हमने कुकर और छूम छूम अंतर व्यवहार देखने सारे बहुत अच्छी बने पास मेरी, फिर हम जल्दी दिखा लिया करेंगे, नहीं तो इनको ना स्वाद तो बतेरी लगती है, फिर क्या करें ये ढंग से उबलती नहीं बाहर जैसी नहीं मिलती यहाँ घर पे।
जल्दी सी बन जाए, भूख लग रही। मम्मी कह रही पपीता, तो मैं थोड़ा पपीता खा लेती हूँ। शकरकंदी कुछ इस प्रकार से बूंदी। सही हाँ ले ली। हाँ पापा ने बोले सही बूंद रही है। ये छिलके बड़ंग की बात आओ, मैं बखा बड़ंगी ना बड़े गनी। सही है, नमक गिर दिया करी ना, काला नमक ना उबल दिया, तोड़ी गल दिया ना, मन तो नहीं गया, नमक गिर दिया करते थोड़ा। चमक तोड़ी। और मम्मी जाएंगे अब एक बारी मंदिर में, और मैंने ऑल ब्लैक पहन लिया, बस इसको छोड़ के चुनी तो थी सूट की, मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो गया, फिर मैंने ये स्टोल ले लिया, अच्छा किया ना। और अभी मैंने कड़ी चढ़ा रखी है, तो वो कड़ी बन जाएगी ना, तो गैस बंद करके तुरंत निकल लेंगे मंदिर के लिए, ताकि आगे ज़्यादा काम यूँ ना हो कि ये वाला काम रह गया। और तो बस घर का काम चलता ही रहता है। मम्मी को साड़ी भी बनानी है आज, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है अच्छे से। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहे, अगर भी मम्मी को पूरे साड़ी वाले लुक में देखना है तो देखो। मम्मी अभी तक तो कह रही है कि ठीक है पहन लूँगी, उसी टाइम जिक्र किया था, उसके बाद कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो अब देख लो पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी। बाकी आप लोग देखना और बताना मेरी मम्मी साड़ी में कैसी लग रही है। मेरी मम्मी ने, मम्मी कहती है मेरे को तो याद ही नहीं है मैंने कब साड़ी पहनी थी, साल कई साल पहले साड़ी पहनी थी मेरी माता ने, और के आज पहनूंगी मैं। आप पे क्या जिक्र हो रहा है, क्या तो देख रही मन मर ही। अरे नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा देखूंगी मैं आगे, किसी लागो पूरा छत पर आके ऊपर ऊपर, जिस तरह वे दुकान वाले को नहीं तुरंत बांध के दिखाते हैं उस तरह। ठीक से देख लिए, कितने कब पहन रही साड़ी, साड़ी ना तो बहुत साल हो गए, याद देखने फिर भी किसी का ब्याह में कभी याद देखो नहीं। मामर का ब्याह पर, मामर का ब्याह में, और मामर का ब्याह में कम से कम 20-25 साल, हाँ 20-25, चलो 20 भी लगा ला तो भी 20 साल पहले मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी थी। और कल मेरी मम्मी की एक पुरानी साड़ी हाथ लगी मेरे को, जब मेरी मम्मी कुछ कुछ सामान निकाल रही थी, तो वही पहना के दिखाएंगे। मेरी तो पता नहीं पहनेंगे क्या नहीं पहनी, कहेगी ये तो गणा भारी भारी सौदा है यो कम पहनू, और वो बिल्कुल सिंपल है भी पुराने जमाने टाइप, पर लोग तो पता चली जाएगा कि मम्मी साड़ी में लगे कैसे रही है। तो बस एक बार मंदिर जाया थे, फिर पक्का पक्का आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहो, मेरी मम्मी जरूर दिखाऊंगी साड़ी में। निकल लिए मंदिर के लिए, और मेरी मम्मी को मैंने साल चेंज कराया, महा चलो गली में चलेंगे, सज धज के नहीं। साइकिल चलाने वाला पीछे लड़ा है ना, ये कौन सा बैठेगा ना, लड़ा हो ना, कौन किसकी बारी है पीछे बैठने की। तो भाई वो टाइम आ गया, अब मैं मम्मी के आगे, सॉरी मम्मी के बांधूंगी साड़ी, और मम्मी की ही साड़ी है, काफी साल पुरानी साड़ी, कुछ इस कलर की, ये देख लो दो कलर की साड़ी है ये। अब मैंने बोला मम्मी को क्या तो कोई नाड़ा ढूंढ के लाओ, या अब इसका पेटीकोट तो है नहीं मम्मी के पास, तो बस एक बार टेक्सचर देखना है मम्मी का कि मम्मी लगेंगी कैसी। मम्मी भी अपना आप तो बांध दी, मेरा बांध दी ना मैंने कई बार, बांध ली देख ली ना, तन में बेटा देख ली ना बांध ली बस। तो अरिया अब नहीं देख लो, ये मेरी सबसे बड़ी वाली नाना दे उसकी बेटी, तो मैं ये आई हुई थी अब अपनी नानी के घर, तो मैंने कहा कि अब तुम हमारे साथ रह ले, तो ये अब हमारे साथ है, तो कह रही है मामी को तो मैंने देखा हुआ है साड़ी में, नानी को देखी इसने। हाँ इतनी बुढ़ी को नहीं, हाँ हमारी मैडम जो रिटायरमेंट भी ना हुई है वे भी पहन रहे साड़ी, तो वे आपसे तो छोटी होंगी, बड़ी छोटी तो बुलाए पहनो, बड़ी नहीं पहनेगी, बढ़िया नहीं पहनेगी। हाँ मतलब आप तो बड़ी है, रिटायरमेंट ना हुई है, जो रिटायरमेंट हो, पर आजकल मम्मी कोई रिटायरमेंट का चक्कर को नहीं, जिसने पहननी है वो पहननी है। ये मैं मेरी मम्मी के बांध दूंगी।
मैंने तो बांधी मेरी मम्मी के साड़ी और इवने धीरे धीरे करके पूरा लुक दिखाऊंगी मेरी मम्मी का, मतलब अच्छी लग रही है मेरी, मैंने बोली मोटी लागूंगी मोटी लागूंगी, कितने कर मोटी लागी। तो बैक कैमरा से मम्मी का पूरा लुक दिखाती हूँ आपको, थाम के बैठे सुथरी लागो सच में। एक बार आप शीशा में देखो, आज धीरे धीरे चाल दे, चाल भी भूल गई मेरी मम्मी तो साड़ी की। देखो क्यों अम्बे देखियो कैसे तेरी लग रही है, नू तो पल्ला पकड़ना हो कर पकड़े करे वो ले को नहीं है। बस बांधती को नहीं है, देख ले भाई कौन हाँ जर्सियां ते लागू मम्मी आप हो गई मोटे, मैं भी बस नू ये इनमें कोट काटम लागू मोटी को नहीं मैं। देख नू संभाले हो जिस जब आपने पहली बार पहनी साड़ी उसा उसा के मैं याद आया अच्छा सूट में ब्याह था के अच्छा अच्छा मम्मी आ गई पहले मम्मी आ गई सूट पर पहले जा कर दी सातर ठीक अब नहीं बता दे किसी लागे ते नानी सुंदर अब नहीं तो इन्हों हाथ धर के मुंह पे और फिर रास्ते दी नानी मम्मी तो हाँ यूं ब्लाउज को नहीं ना इसका भाई मेरी मम्मी कैसी लगी बताओ भाई, मैंने पहली बार देखी यार बार बार नुक रही इतनी मोटी कौन ही मोटी मम्मी तो ऐड मोटी मोटी ब्लॉग आई हुआ करे हाँ फिर बस तो फिर तू भी बांध लिया कर अम्मी कई लोग देखेंगे तेरे को देखने भीतर भीतर भाई मेरी मम्मी का भी मैंने ये भाई बनू कही बाबे शक्तार सको ब्लॉग बन गया ये भी नूनू करा नूनू याद करा अपने पल कुकर मैंने कद बांधी थी अनु कह ब्लाउज को नहीं कुकर बांधू मैं ये साड़ी नू गणी दुखी तो कोनी हूं हां फिर ब्लाउज तो कोनी भी साड़ी सूड़ी सारी फै के करना चाहिए दो ही साड़ी मेरी मम्मी दोरे एक पीलियम आई थी वाह पीलिया में आई थी वो और एक ही बस केवल दो साड़ी। और अब हमारे जो अवनी दीदी हैं अवनी असरी अवार भाई देखा ऐसे लोग छोटे होते हैं ये मेरे ना वहाँ अपने घर बैठे बैठे देखा करती है आज इसको अजीब सा लग रहा है कि हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं ना तो है ना अवनी तो लो भाई ईब मम्मी की छुट्टी हो हाँ ये मम्मी आप फ्री हो कती तू बांधी थी ना भाई ना फिर हाँ 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 कल 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 पक्की नू गया हाँ ये तो रही शैडिंग तो नगद बनाया है फिर कदे बांधूंगी सुतरी है शैडिंग रंग सुतरा तो भाई आज का व्लॉग का जो एंड है ना वो मैं सोच रही हूँ अवनी खुद करे तो अवनी ऐसे बोल दे मेरी मामी के चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें बोल बोलिए मेरी मामी के चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अवनी की नानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना ठीक है अवनी को कैसी लगी उसकी नानी अच्छी अवनी मैं तो साड़ी बांधनी स्टार्ट करी अवनी का आसना शुरू हो गया नानी नानी तो ठीक है भाई अवनी ने व्लॉग का एंड कर दिया मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।